हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द समर एंड विंटर सीजन्स इन ए ईयर आर कॉज्ड बाय, जो एक साल में जो सीजन चेंज होता है समर और विंटर, इसका कॉज क्या है? तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है अफेलियन एंड पेरिहेलियन पोजिशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द एनुअल रिवोल्यूशन। ये जो अफेलियन है, ये इसका मतलब है कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, और ये पेरिहेलियन जो है इसका मतलब है मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ। तो ये जो है इसका, ये है 152 मिलियन किलोमीटर और ये है 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। फिर है सेकंड ऑप्शन रोटेशन इन सोलर इंसुलेशन, ये भी नहीं होगा। वेरिएशन इन सोलर इंसुलेशन, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस। अर्थ जो है, ये जो सन के चारों ओर घूमता है और रिवोल्यूशन करता है, उसी से हमारा सीजन चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ। तो अर्थ से इनमें से कौन सा छोटा है? जो नेपच्यून है, ये बड़ा है अर्थ से। सेटर्न भी बड़ा है, यूरेनस भी बड़ा है। तो वीनस जो है, ये क्या है? ये अर्थ से छोटा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन टू, वीनस। देन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये किस देश से नहीं पास करता? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया से ये पास करता है, इजिप्ट से भी जाता है, मेक्सिको से भी जाता है, लेकिन ईरान से नहीं जाता। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ईरान। तो ईरान का यहाँ पर कैपिटल क्या है? तेहरान। और इसका जो करेंसी है, ईरान का करेंसी क्या है? रियल। फिर है मैक्सिको, मैक्सिको का हो जाएगा मैक्सिको सिटी। और इसका जो है करेंसी क्या है? पेसो। ठीक है, फिर देखिए इजिप्ट का जो कैपिटल है, ये है कायरो। और इसका जो करेंसी क्या है? पाउंड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ये वाला जो है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया से जाता है। फिर यहाँ देखिए ईरान जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रह जाता है। फिर यहाँ पर है इजिप्ट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मेक्सिको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी। तो इनमें से जो है कौन सा लेक का जो है सब सैलिनिटी सबसे अधिक है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सांबर लेक। ये कहाँ है? ये है राजस्थान में। फिर देखिए, फिर है उलर। उलर लेक जो है, ये मीठे पानी का लेक है। ये कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में। फिर देखिए चिलिका। चिलिका जो है, ये है उड़ीसा। इसको ब्रैकिस वाटर लेक भी कहा जाता है। और डॉल जो है, ये कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो सबसे लंबा कौन है? गंगा। गंगा का लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, और गंगा कहाँ से निकली है? ये गंगोत्री ग्लेशियर।
और फिर देखिए है यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जो है ये तिब्बत से, फिर यमुना, यमुना जो है ये निकली है यमुनोत्री ग्लेशियर, फिर है गोदावरी, गोदावरी जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये है गोदावरी जो है ये ओरिजिनेट हुआ है नासिक, नासिक कहाँ है महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र से इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सेंचुरीज ऑफ इंडिया, व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लोकेशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो जो पेरियार है ये कहाँ है, पेरियार है केरल में, डच्चीगम जो है ये है जम्मू कश्मीर में, सरिस्का जो है सरिस्का राजस्थान में है, और कान्हा जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो साउथ टू नॉर्थ जब हम जाएंगे तो पहले क्या होगा, साउथ में पहले है केरल, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर है जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट है केरल, तो 1432 ये वाला आंसर जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्ड इज मेनली फाउंड इन, गोल्ड इनमें से कहाँ पर पाया जाता है। तो गोल्ड जो है ये कोलार से मिलता है, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड ये कहाँ पर है, ये है कर्नाटक में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए है पन्ना, पन्ना कहाँ है ये मध्य प्रदेश में है, और ये फेमस है डायमंड के लिए। फिर है कटनी, कटनी जो है ये बॉक्साइट के लिए फेमस है, और ये कहाँ पर है, ये भी मध्य प्रदेश में है। कोलार गया, फिर खत्री, खत्री जो है ये राजस्थान में है खत्री, और ये कॉपर के लिए फेमस है कॉपर। तो गोल्ड इज मेनली फाउंड इन कोलार। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, तो इनमें से आयरन ओर, मिक्का, सिल्वर, ग्रेफाइट, और यहाँ पर है जवार, बोयलाडीला, बाबूपाली, और है कोदरमा। तो जो आयरन ओर है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है बोयलाडीला, बोयलाडीला कहाँ है छत्तीसगढ़। तो आयरन ओर हो जाएगा बोयलाडीला छत्तीसगढ़। फिर है माइका, माइका जो है ये कहाँ पर मिलता है, ये है कोदरमा, कोदरमा कहाँ है झारखंड। फिर सिल्वर, सिल्वर जो है ये मिलता है जबार राजस्थान, सिल्वर जबार यह है राजस्थान में। फिर है ग्राफाइट, ग्राफाइट जो है बाबूपल्ली, यह है ओडिशा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वेरियस क्रॉप्स इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इनमें से जो स्टेट्स दिया है तो कहाँ पर ये जो क्रॉप्स हैं ये कहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। तो जवार जो है ये महाराष्ट्र में, जवार यानी कि मिलेट, और शुगर केन, शुगर केन उत्तर प्रदेश में, जूट, जूट जो है वेस्ट बंगाल में, और ग्राउंड नट गुजरात में। ठीक है, तो जवार महाराष्ट्र, शुगर केन उत्तर प्रदेश, जूट वेस्ट बंगाल, और ग्राउंड नट गुजरात। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, इनमें से किसको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हिकाटियस। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा
हिक्काटियस। हिक्काटियस ने एक बुक भी लिखा था, बुक का नाम है गैस पीरियड्स, गैस पीरियड्स। फिर है इराटोस्थेनिस। इराटोस्थेनिस जो है ये है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहले जो है इक्वेटर, इन्होंने पहले इक्वेटर को मेजर किया था। फिर एरिस्टोटल, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, तो ये हैं फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। और यहाँ पर जो है एनैक्सिमेंडर, इनको ये हैं फास्ट कार्टोग्राफर। फास्ट कार्टोग्राफर कौन है? एनैक्सिमेंडर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हिक्काटियस। ठीक है, तो यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।